अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शाह की ब्यूटी सी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसा हेयर ऑयल लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल से आपको ऐसे जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 वीक्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके बालों की लेंथ अगर इतनी है तो ये गारंटी है कि इतनी करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल नेचुरल ऑयल से बना है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने एक हेयर ऑयल का रिव्यू दिया था, यकीन करें उसके ऊपर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। जी हाँ दोस्तों, मैं उसको आई बटन में डाल दूंगा और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, वो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो आज जो मेरे पास हेयर ऑयल है वो है सईद गनी वालों का। जी हाँ, वो मैंने रिव्यू भी सईद गनी वालों के हेयर ऑयल के ऊपर किया था और ये है मेरे पास सईद गनी वालों का मगजियाती हेयर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बोलूं कि ये बहुत ही जबरदस्त हेयर ऑयल है। अगर आप लोगों के बाल फ्रीजी हैं, डैमेज है, दो मुंह बाल हैं, या अगर आप लोगों की लेंथ कम है, या उसके साथ साथ अगर आप लोगों की जड़ें कमजोर हैं, जी हाँ दोस्तों, ये उसके लिए बेस्ट हेयर ऑयल है। बात करूं कि इसमें किन किन इंग्रेडिएंट को यूज किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑयल को ही एड किया गया है। सबसे पहला ऑयल है मिनरल ऑयल, और उसके बाद है नीम ऑयल, और नीम ऑयल के बाद है कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल के बाद है कोलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और परफ्यूम ऑयल। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए इस हेयर ऑयल में तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑयल इसमें शामिल है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और उसके साथ साथ ये हमारे बालों को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप लोगों के बाल फ्रीजी हैं, दो मुंह है, बाल डैमेज है, तो जी उनको भी जड़ से खत्म करते हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के बालों में यानी कि स्कैल्प में खारिश वगैरह है, या एलर्जी वगैरह है, या पसीने की वजह से आप लोगों के बाल टूटते हैं, तो यकीन करें उसके लिए ये ऑयल बहुत ही जबरदस्त है। 8 हेयर ऑयल शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप लोगों को उनके नाम बता दिए थे। यकीन करें अगर आप लोगों की बालों की लेंथ इतनी है या आपकी चोटी इतनी है, 4 वीक या 3 वीक के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों की बालों की चोटियां ऐसी होगी। और वो मैं नहीं कह रहा, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और उसके साथ साथ इसके इंट्रक्शन वगैरह आप रीड कर सकते हैं। यकीन करें मेरे अंदाजे से इस हेयर ऑयल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, सईद गनी में हर बार बताता हूँ कि ये ब्रांड एक ऐसा है जो हम एतबार से ले सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी काफी बेस्ट आते हैं। आप किसी भी लोकल मार्केट से बआसानी ले सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो जी आप इसको द्राज से भी बाय कर सकते हैं। द्राज पे क्या पता आपको थोड़ा कॉस्टली मिल सके। जी हाँ दोस्तों, द्राज वाले जहाँ हाथ लगता है वहाँ पर कस्टमर की खाल उतार लेते हैं। यकीन करें अगर आप लोग वाकई में अपने बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो जी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि एक मरतबा सईद गनी वालों का ये हेयर ऑयल, या मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी आप वो भी देख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो जी दोस्तों, ये दुआएं देंगे। अगर मैं बात करूं इसकी पैकेजिंग की, तो जी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इनकी बोतल, ये देख लें, ये देखें। और इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अपना तारुफ करवाते हैं कि भाई इन लोगों का किसी भी ऐसे केमिकल वगैरह से या कोई भी ऐसी चीज इसमें ऐड नहीं की गई जो हमारे बालों को नुकसान दे, या हमारे स्कैल्प को नुकसान दे, या हमें कोई एलर्जी वगैरह कर दे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप इसे बाय कर सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ ऑफकोर्स आप इसको बाय कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें। मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा और स्किन का ख्याल रखिएगा।